यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा के साथ सरल और सुगम यात्रा के लिए राजकीय रेलवे पुलिस सदैव तत्पर रहता है। लॉकडाउन के दौरान मुंबई, गुजरात सहित अन्य राज्यों से आने वाले मुसाफिरों के लिए जीआरपी पूरे मनोयोग से अपना कार्य कर रही है। मंगलवार को गुजरात से आई श्रमिक स्पेशल ट्रेन गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जहां राजकीय रेलवे पुलिस ने पूरे लगन और परिश्रम से सभी यात्रियों को सुरक्षित बोगी से नीचे उतारकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए प्लेटफॉर्म पर बनाए गए गोले में खड़ा कराया और एक एक पैसेंजर को ले जाकर थर्मल स्कैनिंग करके उसके बाद उन्हें बसों में बैठाकर उनके गंतव्य तक भेजने का सराहनीय कार्य किया। इसी के साथ जीआरपी ने एक मानवता का मिसाल पेश करते हुए यात्रियों के लिए शुद्ध पेयजल, भोजन के और साथ में आने वाले बच्चों के लिए बिस्किट और अन्य खाद्य सामग्री की व्यवस्था की। इसी के साथ जीआरपी हर मोर्चे पर तैनात रही और यात्रियों की सुरक्षा में लगी रही। इस संबंध में एसपी रेलवे पुष्पांजलि ने बताया कि जीआरपी लगातार अपने दायित्वों का निर्वहन करते आ रही है। स्पेशल ट्रेनों से आने वाले यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने के साथ बच्चों को भोजन, बिस्किट, पानी भी मुहैया करा रही है। इसके साथ अगर कोई यात्री बीमार है तो उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाने का भी व्यवस्था की गई है। आरोग्य सेतु ऐप को भी डाउनलोड कराया जा रहा है। एसपी रेलवे पुष्पांजलि ने बताया कि जीआरपी के जवानों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। 55 वर्ष के ऊपर के कर्मचारियों को ऑफिस में ही ड्यूटी कराई जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी रेलवे पुष्पांजलि देवी ने कहा, ले जाए गाड़ी, अंदर ना लगाए गाड़ी को। यात्रियों के स्पेशल के यात्रियों को कोई लेना देना नहीं है। जो लोग अनुमति है उसके अतिरिक्त कोई भी प्लेटफॉर्म को वितरण करके पाया जाएगा तो दंडित किया जाएगा। एक आदमी यहाँ रहेगा, फल निराश और एक आदमी उधर रहेगा। डिपार्टमेंट से आप लोग? थाना जीआरपी गोरखपुर। क्या काम है आपका यहाँ पे? हम लोग का जो भी पेशेंट आएंगे, कोई ऐसा पेशेंट होगा जिससे हम लोग मतलब उनको उनकी सुरक्षा के लिए उनको ले जाएंगे, अपने को बचाते हुए। तो गाड़ी आपके पास एम्बुलेंस है? है सर, किस चीज से ले जाएंगे? कोई पेशेंट आता है किस तरह आप ले जाएंगे? स्ट्रेचर है। कहाँ ले जाएंगे? हॉस्पिटल, जहाँ जाना हो जैसी व्यवस्था है वहीं ले जाएंगे। जीआरपी की तरफ से आपको मिला आदेश? जी ये मैडम की तरफ से मिला। ठीक है मैडम, आप बहुत अच्छे लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, इसके लिए हमारे क्या क्या है इसमें? खाना है, बिस्किट है, रखना देने के लिए। किसके लिए है? यात्री जो आ रहे हैं। बिस्कुट होंगे तो 18 साल कम होंगे। किसके द्वारा व्यवस्था की गई? पुलिस अधीक्षक ने। आर
देश के विभिन्न स्थानों से गोरखपुर अनुभाग में स्पेशल ट्रेनें आ रही हैं। अभी तक ये तीसरी ट्रेन गोरखपुर स्टेशन पर आ चुकी है और हमने जो व्यवस्था की है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो यात्री यहाँ पर आ रहे हैं वो आराम से बिना किसी हैसल के और जितनी जल्दी हो सके और दूरी का पालन करते हुए बसों में बैठकर अपने गंतव्य के लिए रवाना हो। इसमें सबसे पहले हमने यात्रियों की सुरक्षा के लिए ये सुनिश्चित किया कि यात्री कोच वाइज ही उतरे बारी बारी से। उसके बाद यात्रियों की जो प्लेटफॉर्म पर गोले बने हुए हैं उचित दूरी को देखते हुए उन गोलों में खड़े हों। उसके बाद थर्मल स्कैनिंग सेंटर पर जाएं, वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपने बसों में बैठकर रवाना हों। हमने यात्रियों के खान पान की सुविधा को देखते हुए आज GRP विनायक हॉस्पिटल और आहार सेवा ट्रस्ट के साथ मिलकर रोटी सब्जी और स्नैक्स की व्यवस्था की है, साथ में पानी और साफ़ सफाई के लिए साबुन इत्यादि की भी व्यवस्था की है। हमने ये कोशिश की है कि लगभग सभी यात्रियों को ये चीज़ें सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए प्रोवाइड करी जा सके। और इसके पहले भी जो दो ट्रेनें यहाँ पर आई थी उसमें भी हमने यात्रियों के लिए साथ में मिलकर फल और पानी जो है देने का प्रयास किया था सभी को, विशेषकर बच्चों को। ये जो आहार की व्यवस्था है इसमें हम जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तभी से हम GRP विनायक हॉस्पिटल और आहार सेवा ट्रस्ट हम सब लोग मिलकर कम्युनिटी किचन चला रहे हैं और हम लोग दूर दूर से आने वाले स्पेशली यात्रियों को भोजन कराने का, लगभग 300 से 350 यात्रियों को भोजन और पानी की व्यवस्था प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर गोरखपुर स्टेशन के कर्मचारी भी हैं, हमारे यहाँ लाइन से भी, ऑफिस से भी और आसपास के स्टेशनों से भी कुछ ऑफिसर्स और कुछ कर्मचारियों को बुलाया गया है। दो स्टेशन से, जैसे गोंडा और आजमगढ़ से, मैंने इसलिए विशेष रूप से उनके थाना अध्यक्षों को बुलाया है क्योंकि भविष्य में वहाँ पे भी ट्रेनें आने की संभावना है इस प्रकार की। तो यहाँ पर जो एक मानक व्यवस्था हमने सुनिश्चित कराई है वो यहाँ पर देख लेंगे अपनी आँखों से कि कैसे क्या किया जाना है और अपनी जगह वापस जाकर ऐसी और या इससे भी अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित कराने का प्रयास करें। ये भी उद्देश्य है कुछ अन्य थानाध्यक्षों को यहाँ पर बुलाने का। जैसे भी यात्री आ सकते हैं जो बीमार हो तो बीमार को पहुँचाने के लिए अस्पताल में पहुँचाने के लिए भी कोई व्यवस्था की है? जी, हमने क्या किया है कि जब क्लोज कॉन्टैक्ट होना जहाँ पर संभावना है यात्रियों से, तो कर्मचारियों को PPE किट पहनाकर भी यहाँ पर रखा हुआ है ताकि अगर क्लोज इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़े तो यात्रियों को हेल्प की जा सके। साथ में व्हीलचेयर, स्ट्रेचर इत्यादि का भी बंदोबस्त किया गया है। देखिए, जब से लॉकडाउन और कोरोना के स्प्रेड की सूचना मिलनी प्रारंभ हुई थी विभिन्न माध्यमों से, तभी से हम लोग अलर्ट हो गए थे और सबसे पहले हमने शुरुआत की थी कि सबसे पहले सबकी CMO से और अन्य माध्यमों से हमने सबसे पहले स्टेशन पर अपने स्टाफ और यात्रियों को ब्रीफिंग करानी शुरू की थी। ये हम लोगों ने प्रक्रिया 20 मार्च से भी पहले से भी प्रारंभ कर ली थी, 15 मार्च के आसपास से। उसके बाद हमने एक साफ़ सफाई का, एरिया साफ़ सफाई का और पर्सनल साफ सफाई का एक प्रोटोकॉल सेट किया हुआ है और उसके लिए जो संसाधन होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर भी तैनात अगर कर्मियों को आप देखें तो एक फेस शील्ड पहनी होगी, गॉगल्स, मास्क, सर को कवर करना, ग्लव्स पहनना, सैनिटाइज़र का लगातार प्रयोग करना, ये सब जो सेट प्रक्रिया हमने की हुई है। जी, जब ट्रेनों आने से पहले भी और उसके पहले भी हमारी जो एक लगातार ट्रेनिंग की प्रक्रिया भी चल रही है उसमें कोरोना से बचाव की ट्रेनिंग की गई है, उसकी ब्रीफिंग की गई है। साथ में PT, मॉर्निंग PT होती है, योगाभ्यास होता है, इंडोर ट्रेनिंग होती है, शस्त्रों की ट्रेनिंग होती है, ये सब प्रक्रियाओं का हम लोग पालन कर रहे हैं। सब ने लगभग आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया है। साथ में हमने क्या किया है कि सभी कर्मियों ने अपने ही साथ कम से कम अपने 5 जानने वालों को जो सरकारी सेवक नहीं हैं उनको भी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराया है। GRP द्वारा ऐसा पहल किया जा रहा है, GRP के कर्मचारी जो दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, एक तो हमने कहा कि जो है कोरोना से बचाव हेतु साफ़ सफाई, प्रिवेंशन प्रोटोकॉल, संसाधन उपलब्ध कराना, ये सब चीज़ें हैं। बाकी जब ये ड्यूटियाँ लोग कर रहे हैं बहुत सिंसियरली, बहुत ईमानदारी, बहुत मेहनत के साथ कर रहे हैं, तो हमारे पास एक सिस्टम है अप्रिसिएशन का, अवार्ड का, वो सब हम हमारे सभी कर्मियों को ये प्रोत्साहन के लिए प्रदान करेंगे।
इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हमने एक प्रोटोकॉल सेट किया है जिसमें प्रतिदिन थर्मल स्कैनिंग की जाती है सभी हमारे जितने स्टाफ हैं सबकी, थानावार चौकीवार सबके पास थर्मल स्कैनर उपलब्ध हैं। जहाँ पे थर्मल स्कैनर नहीं है वहाँ पे पर्सनल थर्मामीटर सबको दिए गए हैं, वहाँ पर ये स्कैनिंग होती है, प्रतिदिन हम उसकी अपडेट लेते हैं। इसके अलावा 55 साल से ऊपर के या जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित पहले हॉस्पिटल इत्यादि में रह चुके हैं उनको हम लोग फ्रंट लाइन ड्यूटी पर नहीं रख रहे हैं, उनको बैक एंड ड्यूटी पर ऑफिस में या रखा जा रहा है या उनको कंप्लीट अभी हम लोग वहाँ उनका उपयोग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। साथ ही हमने एक व्यवस्था की है कि जो क्योंकि इस समय छुट्टियाँ संभव नहीं हैं दो कारणों से, एक तो फोर्स की उपलब्धता ज़रूरी है, दूसरी लॉकडाउन का उल्लंघन हो इसलिए भी ज़रूरी है, और जो कोई जाएगा अगर अपने घर वहाँ से इन्फेक्ट होकर ना आ जाए ये भी एक संभावना बनी रहती है। तो हमने एक व्यवस्था की है कि जैसे हमारा क्षेत्र बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे गोरखपुर में डिप्लॉयड एक कांस्टेबल अगर उसका घर गोंडा में है, उसके घर परिवार में कुछ समस्या है, कोई बीमार है, कोई ज़रूरत है, तो हम क्या करते हैं अब वो एक फॉर्मेट हमने जारी किया हुआ है, हर दिन इसका पालन कराते हैं, वो समस्या उठती है संबंधित थानों को नोट कराई जाती है, वो संबंधित थाना उस समस्या का अपने लेवल पर खुद घर जाता है वहाँ से समाधान कराता है, तो ये व्यवस्था हमने की है। दूसरी जो छुट्टी पर जाते हैं बहुत ही आवश्यक कारण हो जाए, अगर कोई छुट्टी पर चला जाता है तो उसकी आमद जो है हम बिना मेडिकल सर्टिफिकेट लिए हुए नहीं करते हैं, जब वो मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आमद कराता है तभी उसकी आमद होती है। इसके साथ ही हमने एक छोटे छोटे क्वारंटाइन बैरिक्स की भी व्यवस्था की है थानों पर अपनी लाइन में भी, ताकि यदि कोई ऐसा हमारा कर्मचारी पाया जाता है जो कोरोना से ग्रसित नहीं है लेकिन हो सकता है सर्दी जुकाम इस तरह की चीज़ें हैं और वो अपने घर से आया हो, तो हम उस बैरक में हमने रखने का बंदोबस्त किया है। तो ये सब कार्यवाहियाँ हम हर रोज़ कर रहे हैं।